Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। पीएम मोदी का यह पैकेज इस मामले में ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपए का यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। मंगलवार की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज में वित्त मंत्री और आरबीआई के द्वारा पहले किए गए राहत के ऐलान भी जुड़े हैं। इसलिए अब लोगों को यह जिज्ञासा बढ़ गई है कि बाकी पैकेज कितने का होगा या कितनी राशि बचती है। असल में भारतीय रिजर्व बैंक अब तक 2 चरणों में करीब 4.74 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर चुका है। सबसे पहले 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने नकदी बढ़ाने के कई उपाय की घोषणा की थी और रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती का ऐलान किया था। CRR घटाकर 4 से 3% कर दिया गया था। पहले टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी कि TLTRO के द्वारा सिस्टम में 1 लाख करोड़ रुपये की नकदी प्रवाह की बात कही गई। इन सबसे करीब 3.74 लाख करोड़ रुपये की नकदी सिस्टम में आने की बात कही गई। 17 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने फिर 1 लाख करोड़ रुपए के नकदी प्रवाह का बढ़ाने का उपाय किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मदद देने की बात कही गई। इस तरह करीब 6.44 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा तो हो चुकी है। पहले मिल चुके पैकेज इस प्रकार है। गरीब कल्याण योजना पैकेज, केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके तहत गरीबों के खाते में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं, TLTRO 1। 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने CRR में कटौती कर दी थी और पहले टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी कि TLTRO की घोषणा की, जिसमें सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपए के नकदी आने की बात कही थी। RBI गवर्नर ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से कैश फ्लो में आई चुनौती से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 3% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी कि TLTRO का 1 का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को नकदी का फायदा होगा, बैंकों का कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने TLTRO 1 के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की नकदी बैंकिंग सिस्टम में डालने का ऐलान किया है। इसके बाद 17 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर ऐलान किए गए। RBI गवर्नर शक्तिदास ने कहा कि COVID-19 से छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट को नकदी की काफ़ी दिक्कत हुई, इसलिए 50,000 करोड़ रुपए के टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी कि TLTRO 2.0 का ऐलान किया गया। इसके अलावा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नाबार्ड, SIDBI, NHB की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों और NBFC आदि के कर्ज प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। COVID-19 के दौर में इन संस्थाओं को बाजार से कर्ज मिलने में मुश्किल है, इसलिए नाबार्ड, SIDBI, NHB को 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त रिफाइनेंसिंग की सुविधा की जा रही है। इस तरह सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा अब तक करीब 6.44 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया जा चुका है। अब पीएम द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए में सिर्फ 13.56 लाख करोड़ रुपए को पैकेज का ऐलान बाकी है, जो सरकार आगे कई टुकड़ों में कर सकती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।